नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लीफोल्ड कंपनी सनसेड नेचुरल सनस्क्रीन लोशन से रिलेटेड, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी एमआरपी है, कौन से बीमारी में यूज़ की जाती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो लीफोल्ड कंपनी सनसेड नेचुरल सनस्क्रीन लोशन किस लिए बनाएगी, कौन सी बीमारी में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये लोशन यूज़ की जाती है डार्क स्पॉट्स के लिए, डार्क स्किन के लिए, लाइक अगर आपके फेस पर एक नरिसिस की कमी देखी जा रही है, मॉइस्चराइज की कमी देखी जा रही है, या दोस्तों जब धूमे भाने करते हैं अगर आपकी दोस्तों स्किन डैमेज होती जाती है उसको दोस्तों प्रिवेंट करती है। और जो कि दोस्तों अगर कोई स्किन टैनिंग प्रॉब्लम देखी जा रही है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये दोस्तों नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली है, नॉन ग्रेसी है, जो कि सभी टाइप की स्किन के लिए बनाई गई है। और जो कि दोस्तों ये बात करूँ तो ये मैं आपको एक ब्रॉड सेप्टोरम है जो कि SPF 13 के साथ आती है। और दोस्तों इसकी क्या MRP है, तो याद है दोस्तों 175 रुपये की, जो कि 175 रुपये की आती है गाइस। जो कि 50 ml में इसकी फाइल आती है और जो कि वाटर रेसिस्टेंट है, स्वेट रेसिस्टेंट है, और जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी की है, लीफोल्ड कंपनी की है। और इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले अपने हैंड्स को वॉश कर लें, फिर अपने फेस को वॉश कर लें, और आपका जब फेस थोड़ा ड्राई हो जाए हल्की मात्रा में दोस्तों लोशन लेना है। और इस लोशन को गाइस 20 से 30 मिनट पहले अप्लाई कर लें अपने फेस पर बाहर जाने से पहले। और दोस्तों इसको इस टाइप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिसको ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है। सो दोस्तों मैंने इस प्रोडक्ट की, इस लोशन की आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी से धीरे से धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।